रास्ता चलने के भी कुछ आदाब होते हैं, ये क्या सारा रास्ता रोक के चल रहे हैं? एक तो रास्ता नहीं दे रहे, ऊपर से मुस्कुरा रहे हो। अजीब आदमी तुम लोग, लगता है ये रास्ता तुम्हारे बाप का है। सर क्या बात है, हमने इस शख्स की बकवास क्यों बर्दाश्त की? ये बहुत ही बदतमीज शख्स था। चलो घर चलते हैं, आओ। वो जो बंदा मुझे उधर मिला था ना, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसके साथ लड़ाई शुरू कर देता। बात समझ रहे हैं ना, लड़ना नहीं चाहिए, हमेशा सब्र करना चाहिए और सब्र करने से अल्लाह ताला राजी होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ये हमारा घर है, आप तशरीफ लाएं। अच्छा बेटा आप बैठे, मैं अभी आता हूँ। ओके, ये लो ये फल खा लो, तुम भूखे होंगे। सर मैं ये फल कैसे खा सकता हूँ, ये तो बहुत ज्यादा हलीज और बदबूदार है। जिस तरह तुम ये सड़े हुए बदबूदार फल नहीं खा सकते, बिल्कुल इसी तरह मैं किसी के बदबूदार लबो लहजे पे क्यों तवज्जो दूं? ऐसी बेमाना गुफ्तगू को मैं क्यों सुनूं? ऐसी गुफ्तगू जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे बेटे अक्सर देखने में आया है कोई शख्स बिला वजह आकर उल्टी सीधी बातें करता है और आप परेशान हो जाते हैं और अपने जरूरी काम छोड़कर उन फजूल बातों को सोचते और उन पर गुस्सा करने लगते हैं। बेटा ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे तुमने अच्छे फल के बजाय गले सड़े फल खा लिए हो। जिंदगी में एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी जिंदगी सीधी डगर पर चल रही है और अचानक कोई ऐसी बात सामने आ जाए जो पसंदीदा ना हो, तो समझ लो कोई आपको आपके रास्ते और मकसद से हटाने की कोशिश कर रहा है। और हां ये शैतान भी हो सकता है, लिहाजा मेरे बच्चे ये तुम्हें मेरी नसीहत है, जब कभी जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आए तो मुस्कुरा के आगे बढ़ जाना, उन बातों और मसलों में ना पड़ना और ना ही सोचना। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुमने मुझे देखा, उस शख्स ने मुझे बुरा भला कहा, मेरे वालदेन को बुरा भला कहा, लेकिन मैं खामोश रहा और मुझे कोई मसला भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसे तवज्जो नहीं दी। आज से तुम भी ये बात अपने ज़हन नशीन कर लो, हमेशा सुखी रहोगे। बहुत खूब उस्ताद मोहतरम, इस नसीहत ने मेरी आने वाली जिंदगी को आसान बना दिया है। माशाल्लाह, शाबाश मेरा बेटा, जज़ाकअल्लाह। अल्लाह पाक तुम्हें खुश रखे बेटा।